केवीएस इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, केवीएस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे ड्रेसअप होकर जाना चाहिए, क्या आप इंटरव्यू में हिंदी में आंसर कर सकते हैं। इससे पहले मैं केवीएस टीजीटी और पीआरटी के एग्जाम पैटर्न के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूं, जो कि आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 मार्क्स के केवीएस इंटरव्यू के बारे में। मेरी कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को मैं क्लैरिफाई कर पाऊं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि इंटरव्यू का वेन्यू क्या रहता है। देखिए, मेरा इंटरव्यू वेन्यू जो है वो मुंबई में था, और वेन्यूज जो है वो ऐसा नहीं है कि जिस सिटी में आप रहते हैं वहीं पे आपको इंटरव्यू वेन्यू दिया जाएगा। इंटरव्यू वेन्यू जो है वो पैन इंडिया डिसाइड किए जाते हैं, जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए मुंबई डिसाइड किया गया था। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि पैन इंडिया आपका जो वेन्यू है वो कहीं पे भी आ सकता है, और वहां पहुंचने के लिए आपको किसी तरह का ट्रांसपोर्ट या एकोमोडेशन अलाउंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलता है, इवन इफ यू गेट सेलेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू। सो नाउ लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ड्रेस कोड को लेके है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें कैसे ड्रेसअप होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। देखिए, जो आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो आपका जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं इंटरव्यू के लिए, वो दिखाता है कि आप कितना सीरियस हैं, आपका क्या एटीट्यूड है उस जॉब को लेकर। सो इट इज बेटर कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप फॉर्मल तरीके से ड्रेसअप हों। जैसे गर्ल्स के लिए एक सोबर साड़ी जो है वो बेटर रहती है, और बॉयज के लिए इट इज बेटर टू वेयर अ सूट। सो येस, आई वुड सजेस्ट कि आप फॉर्मल तरीके से जो है थोड़ा ड्रेसअप हो। आप एक टीचर की पर्सनैलिटी जो है वो आपकी लगनी चाहिए जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाएं। तो लेट अस नाउ टेक द थर्ड क्वेश्चन, विच इज अबाउट लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि क्या वो हिंदी में आंसर कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो देखिए, अगर आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी की पोस्ट पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप वहां हिंदी का ही यूज करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेटर कि आप जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप उसे यूज करें। जैसे टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आपका इंटरव्यू है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड इट इज रियली एक्सपेक्टेड कि आपका जो अपनी लैंग्वेज पे जो होल्ड है, जो कमांड है, वो बहुत स्ट्रांग होगा और आप इजीली जो है वो इंग्लिश में कन्वर्स कर पाएंगे। बट इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां आप अपनी बात उस लैंग्वेज में नहीं रख पा रहे हैं, सो इट इज बेटर टू स्विच टू योर मदर टंग, या आप हिंदी पे स्विच कर जाएं। बिकॉज आई बिलीव के कुछ गलत बोलने से बेहतर तो ये है कि आप उसे उस लैंग्वेज में ना बोल के अपनी हिंदी लैंग्वेज में या उस लैंग्वेज में बोलिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बाकी रही बात मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल स्टडीज की, सो इट इज बेटर कि आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके जो मेंबर्स हैं वो जिस लैंग्वेज में आपसे कन्वर्स कर रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में कन्वर्स करें। वहां से अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं तो इट इज बेटर एंड आई वुड एडवाइस कि आप हिंदी में ही आंसर करें। ऐसा ना हो कि बोर्ड मेंबर्स कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और आप कोई और लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वेटेज ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में आपको कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए और इंटरव्यू का क्या वेटेज रहता है ओवरऑल मेरिट लिस्ट में। तो देखिए, जो रिटन एग्जाम है केवीएस का टीजीटी और पीआरटी के लिए, दैट इज ऑफ 150 एंड इंटरव्यू जो है वो 60 मार्क्स कैरी करता है। दोनों के अगर हम रेशियो की बात करें तो रिटन एग्जाम जो है वो 85% कैरी करता है और इंटरव्यू जो है वो 15% कैरी करता है। ओके, सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन इंटरव्यू एज वेल, ताकि आप मेरिट लिस्ट में अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो क्वालिफाई कर सके और आपको अच्छी सी जगह पोस्टिंग मिल जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टाइम गैप बिटवीन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू, कि रिटन एग्जाम के कितने दिन बाद जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। देखिए, अगर मैं हमारे वाले एडवर्टीजमेंट की बात करूं तो हमारा एग्जाम दिसंबर में हुआ था
और उसके बाद हमारा इंटरव्यू जो है वो फरवरी में हुआ था, 15 फरवरी को जो है मेरा इंटरव्यू था मुंबई में. सो हम एक एस्टिमेट लेके चल सकते हैं कि 2.5 से 3 मंथ्स के इन बिटवीन जो है वो आपको टाइम मिलता है रिटर्न और इंटरव्यू के बीच में प्रिपेयर करने के लिए. सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू कैरी अलॉन्ग टू द इंटरव्यू वेन्यू. तो यस, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, जो भी आपने अपने फॉर्म में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन की हैं 10th ऑनवर्ड्स एंड जितना भी आपका जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और बैचलर्स जितना भी आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं उनका आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए, उनकी डिग्री भी होनी चाहिए. देन यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड 4 कॉपीज ऑफ बायोडेटा आपको वहां ले जाने होते हैं. एक्चुअली इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही आपको वेबसाइट पे जो है बहुत इजीली बायोडेटा का फॉर्मेट मिल जाता है और उसको आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में ले जाना होता है, ठीक है. एंड अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स लेके क्यों जाने होते हैं? बिकॉज इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, इजिली पास कर जाते हैं, तो ही आपको इंटरव्यू देने दिया जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेरिट लिस्ट एंड पोस्टिंग, कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे निकलती है और पोस्टिंग कहाँ और कैसे मिलती है. तो देखिए, एज आई टोल्ड यू कि रिटन एग्जाम 85% मार्क्स कैरी करता है और इंटरव्यू जो है 15% कैरी करता है. तो दोनों को ऐड करके ही एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है जिसके बेसिस पे कट ऑफ निकलती है और आपका सिलेक्शन होता है. और बात की जाए कि पोस्टिंग कहाँ होती है, तो देखिए KBS की जो जॉब है वो पैन इंडिया जॉब है. तो जब आप KBS में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर आप दिल्ली से हैं तो नीचे आपको कन्याकुमारी में भेजा जा सकता है और कन्याकुमारी से हैं तो आपको ऊपर जम्मू कश्मीर में भेजा जा सकता है. तो अगर आपको पूरा देश घूमने के लिए एक्साइटेड और इंटरेस्टेड रहते हैं तो आई वुड सजेस्ट देन ओनली यू शुड ऑप्ट फॉर KBS. अदरवाइज अगर आप उनमें से हैं कि आपको सिर्फ अपना घर और होम टाउन प्यारा है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड जॉब. आपको पूरा पैन इंडिया जो है घूमने के लिए मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में आपको पता चलता है. तो पोस्टिंग यस, आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कॉन्टेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट. बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. तो देखिए, जैसे कि अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जब आपसे लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो क्योंकि आप उस डिग्री को, उस एग्जाम को वहां क्वालिफाई करके पहुंचे हैं तो आपके पास वो नॉलेज होगी. बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपसे सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आपको सिर्फ डेमो देने को बोला जाएगा. ये हर चीज का एक मिक्सचर है जो वहां होता है और कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता कि पहले से उन्होंने कुछ जो है क्वेश्चंस फ्रेम करके रखे हुए हैं कि इस कैंडिडेट से ये पूछा जाएगा, इससे ये पूछा जाएगा. जैसे जैसे आप उनको आंसर करते जाएंगे वो आपके आंसर्स में से ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते जाएंगे और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जितनी भी आपने वहां डिग्रीज और डिप्लोमाज और कोर्सेज जो है वो मेंशन किए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज तो ऑब्वियसली होगी, तभी आप जो है वो डिग्री कर पाए हैं. तो इवन अगर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं तो आई डू नॉट थिंक इसमें कुछ भी गलत है और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए. सो यस, देयर आर चांसेस कि आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बट ऐसा कोई श्योरिटी कंफर्मिटी नहीं है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस. मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने क्या क्या क्वेश्चंस फेस किए और मेरी प्रिपरेशन कैसी थी. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे ड्रेसअप के बारे में. तो मैंने एक लाइट पिंक कलर की एक सोबर सी साड़ी जो है वो वेयर की थी बिकॉज उससे थोड़ा एक फॉर्मल लुक आता है. देन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर आई वॉज वर्किंग अर्लियर एंड देन अपने बायोडेटा, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो सब मैं अपने साथ कैरी कर रही थी उस टाइम. उसके बाद फिर हमें जो है वेन्यू में एंटर करवाया गया तो वहां सबसे पहले हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स इजीली वेरीफाई हो गए कि हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है डिपार्टमेंट को दी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो सब करेक्ट है, उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए ले जाया गया. तो इंटरव्यू रूम में मैं जैसे ही मैंने एंटर किया वहां जो है 4 मेंबर्स जो है वो इंटरव्यू बोर्ड के बैठे हुए थे एंड जिनके पास मेरा बायोडेटा था. तो बायोडेटा की हैंड रिटन कॉपीज उनके पास थी. तो जैसे ही मैंने एंटर किया रूम में उनको विश किया एंड आफ्टर दैट दे asked me to sit on the chair
एंड उसके बाद उन्होंने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला. सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया गया दैट वॉज अबाउट माई इंट्रोडक्शन. सो आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग अबाउट माई सेल्फ, तो वहां पे मैंने KVS के बारे में मेंशन किया बिकॉज मैं एक KV एलुमनाई हूँ, मैं KV से ही पास आउट हूँ. तो जैसे ही मैंने मेंशन किया कि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस संगठन, तो वहां से उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन मेरा खत्म स्टॉप करवा दिया. और उसके बाद दे आस्क्ड मी अबाउट KV कल्चर कि एज अ स्टूडेंट मेरे क्या ओपिनियन है कि KV एक संगठन जो है उसमें और बाकी स्कूल्स में क्या डिफरेंस है, और एज अ स्टूडेंट हमारी लाइफ, KV के स्टूडेंट्स की लाइफ और बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है. तो वो सब आंसर किया मैंने. वहीं से देखो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वो कैसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं. तो देखो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं ना, वो पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं रखते हैं कि वो इस कैंडिडेट से ये पूछने वाले हैं और इससे ये पूछने वाले हैं. वो वही पूछते हैं जो मटेरियल हम उन्हें देते हैं. तो जैसे मैंने अपना बायोडेटा दिया, उससे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने को बोला और फिर मैंने वहां बताया कि मैं KV की ही स्टूडेंट थी. तो वहां से उन्होंने मुझसे KV कल्चर के बारे में पूछा और डिफरेंस पूछा KVS और बाकी स्कूल्स में, ठीक है. उसके बाद टू मेक मी फील कंफर्टेबल दे आस्क्ड मी अबाउट माय जर्नी कि मेरी जर्नी कैसी रही और कैसे जो है मैं वहां पहुंची और कब पहुंची, हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, ये सब मुझसे पूछा गया. ऑब्वियसली इसका कोई भी जो है रिलेशन नहीं है हमारी पोस्ट और सब्जेक्ट से, बट बोर्ड मेंबर्स अक्सर ऐसा पूछते हैं टू मेक अस फील कंफर्टेबल कि हम थोड़ा ईज डाउन हो जाएं, थोड़ा नॉर्मल और काम हो जाएं अगर हम थोड़ा टेंस्ड और नर्वस फील कर रहे हैं तो. एंड येस, इससे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जज करते हैं बिकॉज द वे यू आंसर रिफ्लेक्ट्स हाउ कॉन्फिडेंट और हाउ नर्वस यू आर. ओके, उसके बाद फिर मुझसे पूछा गया, जैसे आई टोल्ड देम कि मैं यहाँ इंटरव्यू से दो दिन पहले ही पहुंच गई थी अलॉन्ग विद माय ब्रदर्स. तो देन दे आस्क्ड मी कि व्हाट प्लेसेस आई हैव बीन टू इन मुंबई, कि मैंने वहां पहुंचकर क्या क्या प्लेसेस पे मैं गई हूँ या क्या क्या जगह मैंने एक्सप्लोर किए हैं. तो इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले ही हम वहां अजंता एलोरा केव्स गए थे, तो मैंने अपना वो एक्सपीरियंस शेयर किया. उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे. तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहले मुझसे पूछा कि अभी कौन सा लेटेस्ट नॉवल जो है मैंने पढ़ा है या मैं पढ़ रही हूँ, उसका आंसर मैंने कर दिया. देन आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे शेक्सपियर के किन्हीं भी दो नॉवल्स के बारे में पूछा, तो मैंने दो नॉवल्स के नाम बता दिए और उनका थोड़ा सा प्लॉट पूछा, मैंने वो भी बता दिया. अब इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर जो है वो बिल्कुल शांत बैठे थे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा था और बिल्कुल ये जो है उनका सिटिंग पोस्चर था. तो बहुत देर चुप रहने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा और वो ये था कि जस्ट आपने अभी जो ये दो नॉवेल्स बताए हैं इनके मेल कैरेक्टर्स के नाम बताइए. तो एक तो क्योंकि उनमें से जो मैंने नॉवेल जो प्ले बताया वो मेरा फेवरेट प्ले था शेक्सपियर का, तो मैंने बता दिया बहुत इजीली और उसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर दिया कि उसकी कैसी पर्सनैलिटी थी, क्या करेक्टरिस्टिक था, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया. देन उसके बाद जब सेकेंड प्ले के मेल करेक्टर की बताने की बारी आई तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई. तो वहां पे मैंने उनके सामने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं तो मैं इसका आंसर नहीं करना चाहूंगी. देखो मैंने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज आई फील इट इज बेटर कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ आपको वो चीज नहीं आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप कोई गलत आंसर करें और उससे अपने मार्क्स लूज कर लें. तो अगर आप चीजों के लिए मना कर देंगे तो कि आपको ये आंसर नहीं आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज वो भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो बताता है कि आप कैसे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है. ये हुआ. उसके बाद अब बारी थी मेरे टीचिंग स्किल्स को जज करने की. यहां तक उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी जज कर दी कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, कितना नर्वस हूँ, कैसे आंसर करती हूँ, मेरी लैंग्वेज पे क्या कमांड है, सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, ठीक है. अब बारी थी मेरे टीचिंग स्किल्स को जज करने की. तो टीचिंग स्किल्स में सबसे पहले मुझे बोर्ड पे भेजा गया एंड उन्होंने मुझे कोई एक पोएम का डेमो देने के लिए बोला. तो मैंने बहुत सारे पोएम्स प्रिपेयर किए हुए थे, तो उसमें से मैंने 7th क्लास का एक पोएम लिया और मुझे लगा कि शायद मैं उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ. उन्होंने मुझे कोई क्लास स्पेसिफाई नहीं की थी तो मैंने अपने मन से 7th क्लास की एक पोएम ली जिसको मैंने जिसका डेमो देना मैंने स्टार्ट किया. लेकिन अब डेमो देने से पहले देखो उसको सिर्फ आप ये मत समझो कि हमें वहां खड़े होके जस्ट उनको बताना है कि हम तो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और हम तो ऐसे पढ़ाएंगे. उसको आप एक बिल्कुल रियल टीचिंग समझो बिकॉज वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती नहीं है लाइफ में, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं. तो वहां पे आपको अपना 100 नहीं 1000% देना है, मैं सजेस्ट करूंगी.
तो जैसे कि आप बोर्ड पे जाएंगे तो आपको बोर्ड पे मेंशन करना होता है कि उस दिन क्या डेट है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, टॉपिक एंड ऑल आपको सब मेंशन करना होता है। तो जैसे ही मैं बोर्ड पे गई तो वहां मुझसे पहले एक कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू देकर गए थे, उन्होंने ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउन वहां जो है पढ़ाया हुआ था, तो कुछ उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे और लेफ्ट हैंड साइड में डेट मेंशन थी। तो यहां से ये पर्सनैलिटी का, टीचिंग स्किल का एक पार्ट जो इंटरव्यू बोर्ड जज करता है कि जो ऑलरेडी जो कंटेंट रिटन है बोर्ड के ऊपर आप उसको कैसे रब करते हैं। बिकॉज देखिए आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर है ना वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एज अ टीचर। अगर आप अपना पूरा एक बैक करके खड़े हो जाते हैं क्लास से तो होता क्या है ना, एट योर बैक साइड स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में न्यूसेंस क्रिएट करने लगते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगते हैं। तो एज अ टीचर आपका होल साइमल्टेनियसली दोनों चीजों पे होना चाहिए कि आप बोर्ड पे वर्क भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर भी आपकी नजर है, ठीक है। तो आपको थोड़ा टिल्टेड खड़े रहना चाहिए। उसके बाद आप बोर्ड को कैसे रब कर रहे हैं, हैप्हैज़र्डली इधर-उधर हाथ चला रहे हैं या एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तरीके से आप रब कर रहे हैं। तो मैंने प्रॉपर हॉरिजॉन्टल तरीके से जो है उसको रब किया। उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे डेट मेंशन की। और रही बात अब क्लास स्ट्रेंथ की, आप लोग पूछेंगे कि मैम क्लास स्ट्रेंथ हम कैसे मेंशन करेंगे, तो देखिए वो जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ना उनको आप एक स्टूडेंट मान के चलिए जब आप वहां डेमो दे रहे हैं, ठीक है। नो डाउट आपको अंदर से बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, आपको बहुत डर लग रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं, बट यू नीड टू कंसिडर देम एज स्टूडेंट। आप जब तक उनको स्टूडेंट कंसिडर नहीं करेंगे आप उनको टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे और फिर वो वन साइडेड टीचिंग जो है वो रह जाएगी, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप वहां स्ट्रेंथ मेंशन कीजिए। जैसे मैंने वहां टोटल स्टूडेंट्स 4 मेंशन किया और प्रेजेंट 4 मेंशन किया, ठीक है। इसके बाद बात आती है टॉपिक को मेंशन करने की। तो देखो टॉपिक जो है वो कभी भी हमें एज अ टीचर भी क्लास में जाते ही डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर नहीं मेंशन करना होता है, हमें स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं और फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें बच्चों के मुंह से ही वो टॉपिक निकलवाना होता है कि हाँ आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने जो पोयम उठाई थी उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने स्टार्ट किए बिकॉज वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक था, तो उससे क्वेश्चंस पुट अप करने स्टार्ट किए। तो मैंने वो जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको एज अ चाइल्ड ही कंसिडर किया, एज अ स्टूडेंट ही कंसिडर किया और उनमें से ही मैंने क्वेश्चन पुट अप किए एंड ट्रस्ट मी दे वर वेरी हैप्पी। वो उस चीज से बहुत खुश होते हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो एक अपनी रियल टीचिंग जो है वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो वहां से मैंने उनको जो है इन्वॉल्व किया और उसके बाद करते करते मैं अपने टॉपिक पे आ गई। फिर बात क्योंकि पोएट्री थी तो पोएट्री को जो है पहले मैंने अच्छे से उसको लिरिकल वे में और हर तरीके से उसको सिंग करके प्रॉपर जेस्टर्स के साथ और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अच्छी प्रोनंसिएशन के साथ मैंने उसको प्रेजेंट किया और जो उसमें से कुछ एक जो डिफिकल्ट और मेन वर्ड्स थे उनको मैंने साइड बाय साइड बोर्ड पे मेंशन किया, ठीक है। ये बात हो गई मेरे डेमो की। उसके बाद उन्होंने मुझे बीच में स्टॉप करवा दिया कि दैट्स इट और अब फर्दर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि उन्होंने जब आपको मना कर दिया आगे कि बस आपकी एक तरीके से टीचिंग खत्म हो गई कि अब आपको और नहीं पढ़ाना, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चीजों को ऐसे उसी हाल में वहां छोड़ के आ जाएंगे या उसे जो नेक्स्ट मेंबर आपके बाद आने वाला है उसके लिए एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके आएंगे? तो देखिए एज अ टीचर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आपकी टीचिंग खत्म हो गई है तो आप बोर्ड को क्लीन करेंगे एंड फिर वही कि एक अच्छे प्रॉपर ऑर्डर से मैनर से उसे आप रब करेंगे। इसके बाद बात आती है जिस मार्कर से आप लिख रहे थे उस मार्कर को आप बंद करेंगे, क्योंकि मुझसे पहले जो कैंडिडेट इंटरव्यू देके गया था वो इतना ज्यादा नर्वस था कि उसने मार्कर को बंद नहीं किया और मार्कर की कैप जो है वो नीचे गिर गई थी टेबल से। सो आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने अपना मार्कर बंद करके और डस्टर से बोर्ड को रब करके वहां टेबल पे रखा तो एक इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ने मुझे कहा था कि आप प्लीज मार्कर को बंद करके रखिए। उन्होंने मुझे हिंदी में ही कहा था एंड आई वेरी पोलाइटली रिप्लाइड कि सर मैंने बंद कर दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है और जिससे बोर्ड मेंबर्स बहुत इजीली जज कर जाते हैं कि आप कितना नर्वस हो रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है। यहां अब मेरा डेमो खत्म हो गया। उसके बाद फिर अब बोर्ड से लेके चेयर तक का जो डिफरेंस है वो आपको कवर करना है, उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे चल रहे हैं एंड देन आप कैसे चेयर को ड्रैग करके उसके ऊपर बैठ रहे हैं, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी जज होती है, ठीक है। वहां उसके बाद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, दैट वॉज अबाउट द स्पेलिंग ऑफ डायरिया।
ठीक है, डायरिया की स्पेलिंग मुझसे पूछी गई, बहुत बेसिक सा वर्ड है, लेकिन क्योंकि हम सब इंसान हैं तो नर्वस तो हर कोई होता ही है। अब देखो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उस टाइम नर्वस नहीं थी, आई वॉज नर्वस और हर कोई नर्वस होता है, और नर्वसनेस तो एक नॉर्मल इंसान की पहचान है, अगर कोई नर्वस नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग नर्वस। ओके, तो मैं उस स्पेलिंग में थोड़ा फंबल कर गई। एक्चुअली हुआ क्या कि एक बार मैंने स्पेलिंग बोली वो बिल्कुल ठीक बोली, सेकेंड टाइम उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैंने गलत बोल दिया, तो मैं ओ और ई के बीच में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और मैंने ओ और ई की जो प्लेस है वो मतलब उसको आगे पीछे बोल दिया। तो एक इंटरव्यू मेंबर ने मुझे बोला कि आर यू श्योर यही स्पेलिंग होती है? तो जब कोई सामने से ऐसा बोल दे और आपको पता है कि ये जो है वो आपको जज करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई और मैंने बोल दिया आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ और मुझे जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या स्पेलिंग होती है क्या नहीं होती है। देन उनमें से एक मेंबर थे वो बहुत ही पोलाइट थे, उन्होंने मुझे बोला इट्स ओके बेटा, इट इज कम्प्लीटली फाइन। तो उन्होंने मुझे चौक दिया, मार्कर दिया और कहा कि बोर्ड पे जाओ और इसको लिखो। तो मैंने जब लिखा तो मैंने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है और जिसको वो जज करते हैं। सो बस इतना सा ही मेरा इंटरव्यू था और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि एक स्वीट एक्सपीरियंस था, मैं बिटर स्वीट बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। एंड द वे आई मूव्ड आउट फ्रॉम द रूम और जैसे मैंने उनको अच्छे से विश किया और फिर विश करने के बाद आप कैसे क्लास से उस रूम से जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, उनका आपका एक प्रॉपर फाइल उनके पास होता है जो कि आप अपने साथ लेके जाते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो आपको जब आपकी फाइल हैंड ओवर करते हैं तो आप उस फाइल को कैसे पकड़ते हैं, आप वहां से कैसे वॉकआउट कर रहे हैं, मूव पीछे की तरफ जो है वो आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग टू बी वरीड, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं, उन्होंने भी जब अपने लाइफ में कभी इंटरव्यू दिए होंगे तो वो भी उतना ही नर्वस हुए होंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और इंटरव्यू के लिए रही बात ये कि क्या और कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखो सब्जेक्ट नॉलेज तो आपकी रिटन एग्जाम में जज हो जाती है, वहां आपकी दो चीजें जज होती हैं इंटरव्यू में, एक आपकी पर्सनैलिटी के एज अ टीचर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड सेकेंड इज योर टीचिंग स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। तो इन दो चीजों पे वर्क करना स्टार्ट करो, इनको थोड़ा पॉलिश करो, अपने आप को और ज्यादा जानो कि आप जब बैठ रहे हो तो आपके हाथों की जो मूवमेंट है, या आप अपने फोरहेड को तो टच नहीं कर रहे बार बार, आपकी लेग्स तो शेक नहीं कर रही हैं, बिकॉज इन सब चीजों से नर्वसनेस पता चलती है। तो देखो नर्वसनेस अंदर है, वो दूसरों को नहीं बतानी है, ठीक है, पता उन्हें भी है कि वो नर्वस है, लेकिन हमें सिर्फ वो एक दूसरे से छुपा के रखनी है, दिखाना नहीं है फेस टू फेस एक दूसरे को कि हाँ मैं नर्वस हूँ, और उनको भी पता चल रहा है, बिकॉज वहां फिर हम मार्क्स लूज कर जाते हैं। और जब सामने वाले को पता चल जाता है ना कि येस दिस कैंडिडेट इज नर्वस, तो हम और भी ज्यादा फंबल करने लगते हैं और बिल्कुल हमारा जो ब्रेन है जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उस कंडीशन में। ओके, आई होप इस एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज रिलेटेड टू KBS इंटरव्यू क्लैरिफाई हुए होंगे, बट स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स पेंडिंग हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, मेरे सोशल मीडिया हैंडल की डिटेल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आप मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, जय हिंद। We'll be right back.